आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 सीखने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है यह कि आपको यह प्रयास अवश्य पसंद आएगा। ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। चलिए इन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, यानी कि दूसरा दिन है ये हमारे लिए। आइए अब हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और इसका जो प्रश्न है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है, स्टेटमेंट है हमारे पास पहले क्वेश्चन में कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेट कीजिए और फिर उसे डिक्टेट भी कीजिए। तो हम कोशिश करते हैं। तो हमें मालूम है कि इरेशनल नंबर, हमारे पास में दो तरीके के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर, और दोनों के दोनों जो जिस फॉर्म में आते हैं उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी इरेशनल नंबर यानी कि ये नंबर रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो गया शुरू हो गया, ट्रू हो गया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या लिखना है हमें, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाता कि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो वो संभव ही नहीं है या तो, ठीक है। लेकिन एवरी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होंगे, ध्यान रखना। तो वैसे हमारा सिंपल ही क्वेश्चन ये लिखना है कि ट्रू और फॉल्स का है, तो ट्रू और ट्रू में ये लाइन लिखनी है, बस यही हमारा आंसर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा पार्ट सीखते हैं। यहां देखिए कि जो हमारे पास में एवरी पॉइंट है वो हमारे पास में एम के रूप में है या नहीं, ये बताना है हमें। और रूट फोर की हमारे पास में वैल्यू होती है, हमने 8 क्लास में पढ़ाया, प्लस और माइनस दोनों के लिए हमारे पास में वैल्यू 2 होती है। तो प्लस की वैल्यू तो नेचुरल नंबर में काउंट होती है, लेकिन माइनस 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होती, इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नेचुरल नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का। तीसरे पार्ट में हमारे पास में क्या है कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। जैसे कि पहले क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। नहीं समझ में आया, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। भाई एवरी इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर भी होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना हमारे पास में,
इसका स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया हमारे पास। फॉल्स में क्या है, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दो है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। आर द स्क्वायर रूट ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें ये देखना है कि जो हमारे रेशनल नंबर जो आर क्या स्क्वायर रूट ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर, जो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर होता है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका सीधा सीधा आंसर निकलता है नो। पहले का जो आंसर है हमारे पास में वो लिखना नो। और नो क्यों है, क्योंकि मान लिया कि हमने एक इंटीजर लिया, जैसे कि अभी हम पहले भी एग्जांपल लिया था रूट यानी 4, और इसका हमने स्क्वायर रूट निकाले, ये पॉजिटिव इंटीजर लिया और इसका हम स्क्वायर रूट निकाले। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो या तो वो 2 आएगा प्लस माइनस 2, यानी कि या तो प्लस का 2 होगा या फिर वो माइनस का 2 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, ये दोनों नंबर हमारे पास में रेशनल नंबर्स, बोथ आर रेशनल नंबर्स, बोथ आर, जब दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं तो हमारे पास में क्या हुआ, स्टेटमेंट सीधा सीधा हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखना चाहिए था हमें, नो no, ठीक है, बोथ आर रेशनल नंबर। क्लियर, बस हमें यही इसमें प्रूव करना था, यही हमें लिखना था इसमें। अब ये एग्जांपल के लिए बोला नॉट नहीं है नो, तो हमने एग्जांपल दे दिया, गिवन एग्जांपल, एग्जांपल 4 के लिए दे दिया। आप इसके लिए रूट 9 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 9 का भी प्लस माइनस 3 आएगा, और पहला प्लस 3 है तो दूसरा माइनस 3, तो ये भी हमारे पास में क्या है, रेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, जिसमें रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया। हम रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, हम सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए पहले हम बोर्ड पर सीखते हैं, उसके बाद में हम कॉपी पर सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का है, यानी कि हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा उसमें, इसलिए आप सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, उसमें एक स्केल और कंपास और उसमें लगी हुई पेंसिल अवश्य चाहिए। चलिए पहले हम बोर्ड पर समझते हैं, उसके बाद में हम आपको कॉपी पर भी बना करके दिखाएंगे, दोनों ही तरीके से आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हिंदी में इसका मतलब कि रूट 5 को किस प्रकार से हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। दूसरा है लोकेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रूट 5 को नंबर लाइन पर प्रतिस्थापित करो। अब हमें ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हमें करना ही है। लेकिन रूट 5 थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो पहले हम रूट 2 बना लें, फिर रूट 3 बना लें, उसके बाद हम सीधा रूट 5 पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रोसेस हमें वही यूज करना है। पहले रूट 2 बनाना होगा, उसे शो करना होगा, उसी के आगे बढ़कर के उसी पर रूट 3 शो करना होगा, उससे आगे बढ़कर के रूट 4 भी। लेकिन दूसरा तरीका भी अल्टरनेट भी है, हम अल्टरनेट नहीं, हम सिंपल जो तरीका है उसमें से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, हम पहले रूट 2 सीखते हैं कि रूट 2 कैसे बनाना है हमें, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 एग्जाम्पल में दिए हुए हैं।
वो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आप वैसे उससे भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले यहां सीख ले, हम बोर्ड पर सिखा रहे हैं आपको। तो पहले सबसे पहले रूट टू, तो हमें क्या काम करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर जीरो से नंबर नोट करने हैं, जीरो वन टू थ्री और ये माइनस वन, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, इस जीरो से जब हम किसी भी नंबर लाइन को लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता ही होगा, यहां पे कंपास की नोक रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे और फिर एक पॉइंट यहां रख करके, नोक को रख करके एक ये कट लगाएंगे, एक यहां रख करके एक कट लगाएंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास में ये कट जो आया वो परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्टेंस एक सेंटीमीटर या एक इंच ली थी, जो भी डिस्टेंस हमें एक यूनिट ली थी, अब एक यूनिट ही हमें यहां पर लेनी पड़ेगी। यहां पर आप यूनिट की यूनिट को चाहे एक इंच को एक यूनिट मान सकते हैं, वन सेंटीमीटर को वन यूनिट मान सकते हैं, या वन इंच को भी वन यूनिट मान सकते हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमें वन इंच को मानेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे पास में, तो यहाँ पे इंच वाले जो लाइन है वो लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, उसके बाद में ये हो गया। अब क्या काम करना है, जितना यूनिट ये है, वन यूनिट ये था हमारा, तो वन यूनिट ही इस पर कट लगा देंगे, इससे कंपास में दूरी लेकर के, और इससे हमने ये कट लगा दिया। तो अब ये जो कट लगा हमारा, ठीक है, तो ये जो कट है, अगर इस कट से इस कट को हम ज्वाइन करते हैं, ये जो लाइन आई हमारे पास में, ये रूट टू आई। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको रूट टू प्रेजेंट करना है तो आपको ये बताना होगा। लेकिन अब ये नंबर लाइन पर तो नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टेढ़ी लाइन है, हमें ये नंबर लाइन हमने ये बनाई है, तो हमें इस नंबर लाइन पर चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, कंपास को बड़ा करेंगे और यहां से यहां तक डिस्टेंस लेकर के और यहां ऐसे मार्क मारते चले जाए, ठीक है। तो हमने कंपास को बड़ा किया और ये ऐसे मार्क करते चले आए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस बनी हमारी, ये रूट टू बनी। और अगर आपने इंच में अगर 10 पार्ट्स वाला इसके ले रखा है तो आपको सीधा सीधा ये देखेंगे ये 1.42 यानी 1.4 होगी, 1.5 से तो कम, लेकिन 1.4 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूट टू या रूट थ्री और रूट फाइव की वैल्यू जो होती है। तो इधर के अगर हम सेंटीमीटर में जो स्केल में बने हुए नंबर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये काफ़ी छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो हमें इसमें बड़ा वाला नंबर लेने पड़ेंगे जो इंच की तरफ के हैं, ये सेंटीमीटर वाले हैं और इधर वाले इंच वाले होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन इनमें 10 पेयर नहीं होते यहाँ पर अंदर, यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, 10 पार्ट्स में, तो हमें ये 16 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हम 10 में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये बड़े वाला हिस्सा लेकर के चलेंगे और एक यूनिट मान लेंगे और इसे लेट करना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो भी है हमारे पास में नंबर्स है उस नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन को शुरुआत हम जो करेंगे नेगेटिव नंबर से करेंगे उसकी। ये यहाँ मार्क किया हमने, पहला मार्क हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी एवरी इंच, हर एक इंच पर हमें निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर बीच वाला हम जो नंबर है उसे ले लेते हैं जीरो, हमने ये बीच वाले जो बीच का नंबर है उसे हमने जीरो ले लिया, इसे वन और ये टू, ये वाला नंबर माइनस वन हो गया और ये माइनस का टू हो गया। इस तरीके से हमारे पास में ये दो नंबर आ गए। अब हमें जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है वन पर। अब 90 डिग्री का एंगल जो बनाएंगे वो दो तरीके से बनाते हैं हम। तो पहला तरीका है हमारे पास में कि हम अगर हमारी लाइन पूरी है, बड़ी लाइन है हमारे पास में, तो हम इसे पूरा इस तरीके से घुमा लेते हैं, तो ये दोनों तरफ से कट हो गया। और दूसरा हम क्या काम करेंगे, या तो इधर से 60 डिग्री मार्क करें, यहां पर हमने 60 डिग्री से एक ये मार्क किया, दूसरा हमने
ये मार्क किया, तो ये हमारे पास 120 डिग्री हो गया। अब यहां से दोनों को बाइसेक्ट कर देते हैं और ये हमारे पास में 90 डिग्री एंगल हो गया। हम ये 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा हमारे पास में जो है वो ये है कि हम आधे से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे इसकी और यह मार्क करेंगे, एक मार्क यहां करेंगे और दूसरा मार्क हम यहां करेंगे। तो हमारे पास में इस तरीके से दूसरा आर्क आ जाता है। तो ये हमारे पास में सीधा 90 डिग्री के लिए, लेकिन हम जब भी बनाने की कोशिश करेंगे पहले 60 डिग्री मार्क करेंगे फिर 60 डिग्री मार्क करेंगे। जब हम सवाल को कर रहे होते हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा 1 इंच इक्वल्स टू 1 यूनिट, जो हमारा 1 इंच है वो 1 यूनिट के बराबर है, हमें ये लेना पड़ेगा। तो हमें 1 यूनिट यहां से डिस्टेंस, या तो ये वाली डिस्टेंस को हम यहां से एडजस्ट कर लें और या फिर इससे स्केल से एडजस्ट कर लें। तो हमारे पास में दोनों ही लगभग बराबर हैं, तो हम यहां से कट करेंगे ये। अब ये जो 0 पॉइंट है, अगर हमने इसे ए मान लिया और इस वाले पॉइंट को हमने बी मान लिया, तो ये जो कट आया हमारा यह है सी, ये वाला कट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सी। तो हमने क्या काम करना है, सी को और ए को मिला देंगे, यहां पर ज्वाइन कर देंगे, ये वाला ए और ये सी, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन आई हमारे पास में, ये रूट टू आई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ये लाइन रूट टू है और हमें क्या काम करना है, रूट टू को इस नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसलिए हम यहां से इसकी डिस्टेंस लेंगे पूरी सी तक की ये, और यहां से ऐसे कट करते हुए हमें डॉटेड लाइन से यहां ये दिखाना है। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, जहां पर इसने कट किया है, वो पॉइंट आएगा हमारे पास में डी। तो जो ए से डी तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में, वो डिस्टेंस हमारे पास में बनी रूट टू, ये यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस आई हमारी, वो क्या आई हमारे पास में, रूट टू के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से आपने रूट टू बनाना सीखा। चलिए, ये तो हमने सीख लिया रूट टू को रिप्रेजेंट करना, लेकिन अब इसके नेमिंग भी थोड़ा सा कर लें। तो अगर हमने यह करा तो इसको नाम ओ दे देते हैं और इसे नाम पी दे देते हैं और इसे ए नाम दे देते हैं। तो हमने अब ये रिप्रेजेंटेड हो गया हमारा, ठीक है। अब करते हैं हम रूट थ्री को, ठीक है। हम रूट थ्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम नंबर लाइन नहीं खींचेंगे, बिल्कुल सेम जीरो वन टू माइनस वन। अब क्या करना है, वही परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, एक यूनिट इसमें भी कट करनी है हमें और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये वाली जो लाइन हमारी आई वो रूट टू आ गई। अब क्या करना है, अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में दूसरा तरीका भी है। अभी तो हमने 90 डिग्री से किया था, हमारे पास में है तो 60 डिग्री के कोई भी कंपास लेकर के ये जो आर्क लगाया है उसी आर्क से अगर हम कट करेंगे तो ये दो हिस्सों में काटेगा इसे, ठीक है। फिर इन दोनों हिस्सों का हम बाइसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा आपके समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन ना करे इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं इतने हिस्से को। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो हमारा रूट टू हो गया। हमने ये लिया फिर से, जैसे एक यूनिट ये था हमारे पास में, एक ही यूनिट ये था, तो हम एक ही यूनिट ये लेंगे, तो ये रूट टू यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब ये ले लिया हमने, तो एक यूनिट यहां से कट किया हमने इस लाइन को और इसे ये ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारे पास में रूट थ्री यूनिट, यानी रूट थ्री आ गया। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में रूट थ्री आ गया। अब इस रूट थ्री को अगर हम इससे कंपास से ऐसे शो करेंगे तो ये 1.72, यानी कि ये जो लाइन यहां से और यहां तक की जो लाइन है, ये यहां से यहां तक की जो लाइन है वो है रूट थ्री और इसकी वैल्यू होती है 1.73, यानी कि 1.8 से कम और 7 से अधिक, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रूट थ्री भी समझ आ गया होगा। अब हम रूट टू थ्री वन, रूट टू के बाद में अब हम
रूट थ्री बनाना सीख रहे हैं। मेथड हमारा सेम रहेगा, मार्क वही करेंगे हम। वैसे ही नंबर लिखेंगे, नंबर यहां से भी लिख सकते हैं हम। यहां पर जीरो लिख देते हैं, यहां पर माइनस वन, ये वन टू और थ्री। तो हमें वन पर फिर 90 डिग्री का वही एंगल ऐसे ही बनाना है हमें। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए रूल तो वही है हमारा, नील सर्कल ड्रॉ करा और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के हमने क्या काम किया, ये आर्क लगा दिया हमने। इसमें दूसरे तरीके से एंगल बनाया हमने, हमने ये 180 डिग्री का बनाकर बाइसेक्ट कर दिया और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इसमें से वही एक जो इसमें पहले हमें रूट टू का ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें सबसे पहले रूट टू की लाइन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये रूट टू की लाइन ड्रॉ की हमने और ये हमने मार्क किया। तो ये पॉइंट हमारे पास में ए, ये पॉइंट हमारे पास में बी, और तो ये पॉइंट आया हमारे पास में सी, ठीक है। अब हम सी को और ए को ज्वाइन करेंगे। हमने ये ए और सी ज्वाइन कर दिया यहां पर, तो ये रूट टू आया हमारे पास में, लेकिन हमें रूट टू थोड़ा ही शो करना है, हमें तो रूट थ्री शो करना है। तो हमें क्या काम करना है, ये जो लाइन आई है हमारे पास में ए सी, इस ए सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। 90 डिग्री का एंगल बनाने का सेम वही प्रोसेस है हमारा, यहां से आप देख रहे होंगे, और इसे इस तरीके से हम ये यहां पर हम शो करेंगे। थोड़ा कंपास हिल गया ये, और हमने यहां से ये लिया और इसे पहला 60 डिग्री का मार्क किया, फिर ऐसे हमने दूसरे 60 डिग्री का मार्क किया। अब ये जरूरी नहीं है कि हम हमें यहीं तक लाइन तक लाए, हम कितना भी बड़ा इस लाइन को बना सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल हमें इसी पे बनाना है। तो ये यहां पर एक कट ये लगाया हमने इसके बीच में, और दूसरा इस वाले पॉइंट से हमने कट लगाया, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हमारा। अब हम इसे भी ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब फिर से वही जो एक एक यूनिट की हमने डिस्टेंस यहां से ली थी, वही एक डिस्टेंस एक यूनिट की डिस्टेंस हमें यहां से लेनी है ये। इसे इस पर कट करना है, ये लाइन हमारी रूट टू है और ये वन है, तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट आया हमारे पास में डी, हम इसे डी पॉइंट मान लेते हैं और डी को और ए को मिला देते हैं। ये जो ए डी डिस्टेंस आई, ये जो डी है वो हमारी रूट थ्री है। अब रूट थ्री को शो करना है हमें इसे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, यहां तक जहां पर ये कट कर रही थी वहां से वो डॉटेड लाइन जैसे कि हमने रूट टू के लिए बनाई थी वैसे ही इसमें बनाएंगे। तो ये हमारे पास में पॉइंट ई आ गया, और ये जो ए ई जो पॉइंट है हमारे पास में वो हमारे पास में रूट थ्री है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम रूट फोर शो करेंगे। रूट फोर में फिर वही, रूट फोर में फिर वही, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें, और फिर वन यूनिट ही यहां पर कट करनी है हमें। ये भी वन यूनिट, यानी ये भी वन यूनिट, ये भी वन यूनिट और ये भी वन यूनिट, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। और जब इसे ज्वाइन करेंगे तो फिर हम अगर ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो हमें लगेगा देखेंगे कि सीधा दो पर आ रहा है, यानी हमें मालूम है कि रूट फोर का जो रूट फोर की रूट फोर की जो वैल्यू होती है वो टू होती है, यानी कि वो टू पर आएगा। तो हम रूट फोर को वैसे तो शो नहीं कर सकते इस पे, लेकिन रूट फोर का मतलब क्या होगा हमारे पास में, रूट फोर का मतलब होगा टू, यानी कि ये टू पर शो करेगा। तो इस तरीके से हम रूट फोर को शो कर सकते हैं। तो हमने यहां पर तीन चीजें सीख ली रूट, लेकिन सबके लिए अलग अलग बनाना होगा। अगर हमें रूट फोर का बनाना है तो ये तीनों चीजें शो करनी होंगी, रूट टू भी शो करना होगा, थ्री भी, फिर रूट फोर आएगा हमारे पास में। रूट थ्री का शो करना है तो हमें इस फोर की जरूरत नहीं है, समझ गए।
और यदि रूट टू का हमें शो करना है तो हमें इतने की जरूरत नहीं है, बाकी की जरूरत है हमारे पास में रूट टू, लेकिन अब हमें चाहिए रूट फाइव, रूट फाइव। चलिए हम सीखते हैं नए सिरे से रूट फाइव। ये वही हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और इन्हें नेमिंग कर दिया 0, 1, 2। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करना है, यहां से वही 90 डिग्री, 1 यूनिट इसमें से कट, ये ज्वाइन कर दिया, फिर इस पर 90 डिग्री, इस पर 1 यूनिट दिया, ये कट कर दिया, ये रूट टू बना हमारा, ये रूट थ्री बन गया। हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल रूट फाइव बनाना है। ठीक है, तो फिर इस पर भी वही 90 डिग्री। ठीक है, यहां से कट किया, ये हो गया ये 90 डिग्री, फिर वो वही 1 यूनिट कट किया हमने, ये आ गया, ये रूट फोर आ गया, फिर इस पर 90 डिग्री। ठीक है, इस पर 1 यूनिट हमने कट किया और इसे हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास में ये आ गया रूट फाइव। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे कंपास में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे और ऐसे घुमाते हुए इस पर लेकर के आएंगे और ये 2 से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये रूट फाइव जो होगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो रूट फाइव हो गई, और रूट फाइव की वैल्यू जो भी आती है आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं 2 पॉइंट कुछ आएगी यहाँ पर। ठीक है, 2.7। तो ये आपको रूट फाइव हमने निकाल के दिखा दिया और हम कोशिश करेंगे इसे सीधा कॉपी पे बनाने की, तो ये आप एक एक करके बोर्ड पर भी वैसे आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन हम कॉपी भी साथ ही करते जा रहे हैं और हमें आशा है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। नीचे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, वो एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमने रूट फाइव तक कैसे बनाया है, कि ये रूट टू, ये रूट थ्री, ये रूट फोर, ये रूट फाइव, और आगे हर एक को ये 1 यूनिट देते हुए चले जाएंगे और ये हमारा क्या होगा रूट 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी और ये एक सर्कल बन जाएगा, बहुत सुंदर पैटर्न बनता है, एक बार बना के देखिए। चलिए, तो ये 1.2 आज के लिए इतना ही, कल सीखेंगे हम 1.3। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य बताएं। थैंक यू। चलिए अब हम रूट फाइव बनाते हैं। रूट फाइव के लिए भी वही हमारा रूल, लेकिन अब थोड़ा सा इधर पेज की तरफ से हम नंबर लेंगे, ये ठीक है, तो वही ये माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, यहां पर फिर वही 90 डिग्री का एंगल, यहां से इस लाइन को पार क्रॉस करते हुए इधर दूसरी तरफ भी क्रॉस करेंगे और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे इसमें और ये मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इसे मार्क करने के बाद में हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में वही 1 यूनिट, पहले हमें रूट थ्री रूट फोर बनाने होंगे हमें, तो इसमें इस बार कुछ ज्यादा काम करना है हमें, पहले रूट टू बना लिया हमने, ये रूट टू आ गया, इसके बाद इस पर फिर से 90 डिग्री का एंगल, यहां से 60 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री मार्क और ये इनका बाइसेक्टर्स दोनों के हमने ये ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट हमने जैसे बताया था नंबरिंग वही है, ए बी ये सी हो गई और जैसे ही आगे बढ़ाएंगे वो पॉइंट हमारा डी आएगा। अब एक यूनिट इसमें से हम यहाँ से कट कर लेते हैं और वैसे ही एक यूनिट यहाँ से कट करेंगे हम, ये पॉइंट आ गया हमारे पास में डी,
अब ए और डी को मिला देंगे तो ये हमारे पास में रूट थ्री बन गया, यानी ये रूट टू और ये रूट थ्री। अब हमें रूट फोर बनाना है। रूट फोर बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, अब रूट थ्री पर यानी कि ए डी पर, ए डी पर हमें लाइन फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और वही हमने 90 डिग्री का ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और आर्क लगा करके यह हम एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे कि रूट टू की वैल्यू कितनी होती है। आप सभी जानते होंगे रूट टू की रूट जो फोर है हमारे पास, रूट फोर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टू आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो हम जो मार्क कर रहे हैं ये मार्क बिल्कुल एक्यूरेट इस पर ही मार्क पर आया है, इसलिए हम इस मार्क से ज्वाइन कर देते हैं। हमें कहाँ निशान लग रहा है उसका हमें कुछ नहीं लेना है, हमारा जो कट आ रहा है वो सही आना चाहिए। ये जो पॉइंट बना हमने इसे ई मार्क कर दिया। ठीक है, और ई मार्क करने के बाद में अब हमने क्या काम करना है, अभी इसे जरा चेक कर लेते हैं कि ये रूट फोर आया। रूट फोर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, टू होती है। तो ये जो लाइन है हमारे पास में टू यूनिट पर जानी चाहिए लगभग, तो अगर कंपास में मिस्टेक नहीं है तो ये टू यूनिट पर ही जाएगी। ये देखिए, यानी कि हमने रूट फोर जो लाइन खींची है वो हमारे पास में टू पर ही आ रही है। ठीक है, तो हमें रूट फाइव बनाना है जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है। तो हमने रूट फाइव बनाया, तो रूट फाइव के लिए फिर से वही 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ई से इसे कट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर वही एक सेंट जो एक इंच है हमारे पास में एक यूनिट है उसे यहां से कट करेंगे, और आपके देखते हैं कहाँ था ये आपके इससे थोड़ा नीचे है, तो इस पॉइंट से हमने अब ए को मिलाना है। हमें सभी पॉइंट्स को ए से ही ज्वाइन करना है और किसी से नहीं, बच्चे गड़बड़ करते हैं कहीं का कहीं मिला देते हैं। तो ये रूट फाइव आ गया हमारे पास में, हमने रूट फाइव यहाँ तो शो करा है लेकिन हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो हम यहाँ डिस्टेंस लेंगे एफ तक की और वही डॉटेड लाइन से ऐसे शो करते हुए इसे लेकर के आएंगे। यदि दो से ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास में एफ, अब हम इसे जी नाम दे देते हैं। तो ये ए और जी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में रूट फाइव है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम सीख रहे हैं रूट फाइव। रूट फाइव का ये दूसरा तरीका हमारे पास में शॉर्ट तरीका। तो रूट फाइव में हमें मालूम है कि टू का स्क्वायर और ये वन का स्क्वायर, अगर हम दो साइड लेंगे एक टू और एक वन लेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास में फोर प्लस वन, और ये होगा हमारे पास में रूट फाइव। यानी अगर हम एक साइड टू और एक साइड वन लेंगे तो हमारे पास में ये आसानी से इसको बना लेंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि यूनिट जो लेंगे हम इंच वाली लेंगे क्योंकि इंच वाली यूनिट से थोड़ा दिखाई देता है। तो इसमें एक पॉइंट हमने ये जीरो बना लिया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, और इधर ये माइनस वन और ये माइनस टू। तो अब हमें क्या काम करना है, जो टू है क्योंकि हमें एक टू इंच लेना है, इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और इस 90 डिग्री को हमने सीधा लाइन खींच देनी है, और उसके बाद इसमें से एक यूनिट यानी ये जो हमारे पास में है इतनी यूनिट इसमें से कट करनी है, और फिर इसे हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये जो हमारे पास में लाइन आएगी ये रूट फाइव की आएगी, यानी ए और इसे बी, और अगर इसे सी माने तो जो हमारे पास में ए सी है वो हमारे पास में रूट फाइव आएगा।
ठीक है। हमें भरोसा है कि आपको हमारी जो एक्सरसाइज है वो पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ अपने साथियों को बताएं कि आपको ये कैसी लगी है, और वो भी इससे आसानी से लाभ उठा सकें, क्योंकि शुरुआत स्कूल्स की हो चुकी है और हम भी इस कोर्स की पूरी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो रोज या दूसरे दिन या तीसरे दिन कम से कम हफ्ते में आपको एक चैप्टर तो करा ही दिया जाए। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमने पूरा प्रयास किया है और अच्छा लगा, और आपने हमें कमेंट नहीं किया तो ये तो कोई बात नहीं होगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि प्लीज कमेंट अवश्य करिए, और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में या लेसन में वो भी पूछना ना भूलें। थैंक यू।